और ये अपनी रेसिपी बनके तैयार है। तो चलिए अपने आधा किलो बैंगन ले लिए और इनको काट लेते हैं इस टाइप से। अपन यहाँ से ये काटा, ये काटा, ये काटा, ज़्यादा चासले पोसले नहीं कर रहा हूँ मैं वीडियो में। ये काट के हटा दिया अपन ने, और इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको भी काट लेते हैं और बीच में लगा दे खड़ा चीरा अपन। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। इस टाइप से ये पहला और ये दूसरा, और डाल देते इसको पानी में। पानी में मैंने थोड़ा नमक डाला पहले ही बता दूं मैं आपको, और ये मैंने आपको दिखा दिया पानी में मैंने भिगो दिया था इनको पहले। और जब तक कब लेते हैं अपन दूसरी चीज़ें, कुछ मसाले वसाले तो तैयार है, पर डायरेक्ट इनको अब कर देते तेल में फ्राई अपन। तो आप बने रहो वीडियो पे, ठीक है ना। सादा सिंपल रेसिपी, कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं है। और यहाँ पर डालते हैं अब अपन इसमें तेल। जली ना, तेरी भी जली ना। अब इसको पकने देते हैं, तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर अपन इसमें डालेंगे अपने बैंगन। और अब तेल हो गया गरम और डाल देते अपने बैंगन। दो से चार मिनट इनको पकने देते हैं। गैस का फ्लेम थोड़ा लो ही रखे और थोड़ा तेल से दूरी बना के रखे आप, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है अभी भी, बहुत सारा पानी है बैंगन में, छींटे ऊपर आ सकते हैं। हल्का फुल्का कलर चेंज हो रहा है, तो इसी टाइम पर अपन इसमें डाल देंगे एक चम्मच, डेढ़ चम्मच नमक। इससे क्या अपने बैंगन फीके भी नहीं लगेंगे और जल्दी भी पक जाएंगे, और अंदर तक अपना जो मसाला जो, और अंदर तक क्या है नमक आराम से चला जाएगा, ठीक है ना। और तेल हो रहा गरम, हल्का हल्का ज़्यादा, तो इसको एक दो मिनट के लिए ढक देते हैं अपन, ठीक है ना। और यहाँ पर अपने बैंगन 50% पक चुके हैं, 7-8 मिनट हो गए लगभग। अब अपन इसको निकाल लेते हैं बाहर बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं अपन इस टाइप से, देखो ये पक चुके हैं बिल्कुल। अगली तैयारी, ठीक है ना। यहाँ पर अब अपन डाल रहे हैं जीरा उसी तेल में, और बिल्कुल लो फ्लेम चलने देते क्योंकि तेल बहुत गर्म है पहले ही। नहीं तू समझा नहीं, थोड़ी मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। Oh, bye.